Hi, good morning friends. Welcome to my YouTube channel. This is Paresh Ranjan Rao. Today we'll learn about how to create a role in Gmail to move mails automatically to level, different levels and different inbox. Okay, how it is be happened. Okay, तो आप लोगों को दिक्कत आया होगा, बहुत सारा, काफी लोगों को आता है, मुझे भी आता है, मेरे पास बहुत सारा मेल आता है, तो उसके वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो इम्पोर्टेंट मेल्स है मैं इग्नोर कर लेता हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत दिक्कत होता है. तो मैं ऐसा एक रूल्स अप्लाई करूंगा जी मेल पे, तो हम जो एक डिफरेंट डिफरेंट लेबल इधर बनाएंगे, उसी लेबल पे जो भी मेल्स आएगा नौकरी में, जो भी आएगा मैजिफिक्स के, जो भी लिंक्डइन में मेल आएगा उसी लेबल का अंदर जाएगा. तो मैं एक ऐसा रूल्स बनाऊंगा, तो चलो हम उसी रूल्स का ऊपर अभी काम करते हैं. मैं फिलहाल अभी एक लेबल्स बना दूंगा, अदर्स मेल्स. ओके, तो लेबल इधर साइड में बना दिया, लेवल आप लोग देख लीजिए. मैं नौकरी अलर्ट्स का भी एक डाल देता हूँ, नौकरी अलर्ट्स का भी डाल देता हूँ. ठीक है, नौकरी अलर्ट्स का भी एक लेवल बना लेता हूँ एंड जॉब अलर्ट्स का एक लेवल बना देता हूँ. थ्री लेवल बेसिकली मैं बना लेता हूँ. जॉब अलर्ट्स का बना दिया, थ्री लेवल में इस साइड पे बना दिया. जैसे आपको लेवल क्रिएट नहीं पता है तो आप वीडियो को फॉलो कर लीजिए, तो आपको सेव कर लीजिए वीडियो को, आप बना लीजिए, बहुत इजी मेथड है. ठीक है, तो मैं बनाऊंगा दूसरा एक मेल आईडी, सेम मेल आईडी ओपन करता हूँ दूसरा एक पेज पे, आसान होगा हमको अप्लाई करने के लिए. तो मैं क्या करूँ, बहुत इजी स्टेप है, उसी मेल आईडी को मुझे कॉपी करना है. उसके बाद मैं जाऊंगा एंड मुझे इधर फिल्टर में जाके अप्लाई करना है, इधर इसी नौकरी जॉब अलर्ट्स उसी मेल आईडी को अप्लाई करना है. एंड मुझे 1 मंथ तक मेरा यूटिलाइज होगा, डेट विद इन 1 मंथ तक चलेगा मुझे. ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, हेड अटैचमेंट जो भी डॉक्यूमेंट आएगा, डॉक्यूमेंट भी जाएगा उसी जॉब नौकरी अलर्ट्स में लेबल का अंदर. तो मैं क्रिएट करना दूंगा, क्रिएट बना दिया, फिर इधर अप्लाई लेबल, नहीं तो आप किधर भी ले सकते हो, कैटेगरी चूज कर सकते हो, जैसे प्राइमरी अपडेट सब कुछ बना सकते हो, सोशल में रख सकते हो. नहीं तो मैं क्या करूंगा, लेबल जो बनाया था, लेबल नौकरी अलर्ट्स के अंदर नौकरी का जॉब जाएगा, उसको मैं फिल्टर क्रिएट अप्लाई कर दूंगा. तो योर फिल्टर वॉज क्रिएटेड, अप्लाई हो गया फाइनली. एंड दिखाऊंगा जो भी लिंक्डइन का अलर्ट्स आ रहा है, वो जॉब अलर्ट्स लिंक्डइन का, उसको भी कॉपी करूंगा एंड कॉपी करूंगा, उसमें अप्लाई करूंगा. ठीक है, टू करूंगा, मेरा मेल आईडी इधर डाल भी सकता हूँ मैं. ठीक है, मेरा मेल आईडी भी डाल सकता हूँ मैं, @gmail.com. ठीक है, मेरा मेल आईडी डाल दिया मैं एंड इधर 1 ईयर्स तक भी अप्लाई कर सकता हूँ, 6 मंथ तक भी अप्लाई कर सकता हूँ, ऑल मेल अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं तो इनबॉक्स में अप्लाई कर सकता हूँ, जो भी कुछ भी कर सकता हूँ. इधर हैज अटैच डॉक्यूमेंट जो आएगा उसके साथ इंक्लूड होके वो भी जाएगा. एंड उसके बाद मैं क्रिएट कर दिया, तो मैं फिर वो लिंक्डइन का था तो जॉब एलर्ट्स में क्रिएट कर दिया फिल्टर पे, उसके बाद क्रिएट कर दिया अप्लाई. सेम, योर फिल्टर वॉज अप्लाई क्रिएटेड, योर फिल्टर वॉज क्रिएटेड, जो भी मेल जाएगा उसका अंदर जाएगा. ऐसे सेम मैं मैजिक का भी कर सकता हूँ. ठीक है, मैजिक का मेल आईडी भी कर सकता हूँ, क्रिएट अप्लाई कर दिया, अप्लाई सिंपली कर दिया मैं, मेल डाल सकता हूँ, नहीं तो इधर मैं चूज कर सकता हूँ अदर मेल्स. ठीक है, क्रिएटेड, यह बहुत इजी स्टेप है, आप ऐसे कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा. थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही.